सक्सेस। कुछ बीमारियां अच्छी भी होती है, जैसे सक्सेस की बीमारी। सक्सेसफुल लोगों के खून में RBC, WBC, प्लेटलेट्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे पैशन, जील, डिटरमिनेशन। उनकी रगों में डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन की तो गंगा बह रही होती है। और इस गंगा के लिए हरिद्वार नहीं जाना है। अगर हरिद्वार नहीं जाना है तो ये गंगा कहाँ मिलती है? बाकी लोगों का तो मालूम नहीं, पर होम्योपैथ की गंगा कहाँ बहती है वो हमें मालूम है। Rise, you son of a homeopath. Invest in excellence. Join HHF Academy. भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या बात है, ये अचानक क्या हो गया हमारे इस बार वीडियो की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई है। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, थ्री नाइस मैन का चैनल है। नहीं, ये इसलिए ऐसा शुरुआत है क्योंकि आज जो हम रेमेडी की बात करने वाले हैं वो सबसे पैट्रियोटिक रेमेडी, मतलब अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए जान निछावर करने वाली रेमेडी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है, दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, रेमेडी है कॉस्टिक। केसेस में ये बहुत आसान हो जाती है, मतलब इसका जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन जो होता है ना वो पकड़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि
ऐसे बहुत आउटस्पोकन होता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, समाज के लिए और बाकी सबको सुधारने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही वो आपके क्लिनिक में आएगा वो ऐसे घुसेगा भारत माता की जय, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जो सटल एक्सप्रेशंस हैं, उसके डिजीज की शुरुआत कहाँ से होती है, उसका जो मेन कंसर्न है, जहां से उसको दिक्कत हुई, हर एक केस में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट कहाँ से चालू हुआ, बिल्कुल किस पर्टिकुलर इमोशन में। जैसे रस्टॉक्स में भी हमने देखा कि उसका क्रक्स उसका बच्चे, उसकी फैमिली, उसी तरीके से कॉस्टिकम का क्रक्स इनजस्टिस होता है। इनजस्टिस समाज में कहीं भी इनजस्टिस हुआ, इनजस्टिस को लेकर के आवाज उठाने वाला एक बंदा जो मटेरियल अमेरिका का सबसे प्रमुख बंदा है, कई सारे लोग हैं इनजस्टिस में, लेकिन जो सबसे प्रमुख बंदा है, एक ऐसा बंदा जो कि इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकता। रूब्रिक है इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट। यस, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट। इनजस्टिस मतलब अन्याय जिसका वो साथ कभी नहीं दे सकता। तो ये इनजस्टिस कहाँ पे दिखता है? तो जब आपके पास पेशेंट आएंगे ना, तो आप उसको पूछो कि अगर समझो उसको माइग्रेन है, या उसको बैकएक है, या उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें हैं, वो आप उनको बोल पूछना कि कब से चालू होगी। तो वो बताएंगे कि सर ये 3 साल से चालू हो गया। तो उसको पूछना 3 साल में क्या हो गया, अभी आपकी उम्र क्या है। तो मैं क्विकली, मेरे पास 2 केसेस बहुत ब्यूटीफुल थे कॉस्टिकम के, तो उसके रेफरेंस से ही मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों बच्चों के केसेस थे। एक बच्चे को यहाँ पे सिस्ट हो गया था, लिप के नीचे अंदर सिस्ट हो गया था और बच्चा, हाँ मतलब स्कूल गोइंग था उस। आई एम क्यूरियस कि इनजस्टिस कैसे इसके। तो यहाँ पे सिस्ट हो गया, तो साइकोडायनामिक्स जो हम बोलते हैं, मतलब माइंड बॉडी कनेक्शन, यस, साइको न्यूरो एंडोक्राइनो इम्यूनोलॉजी एक्सिस, तो और कुछ लोग इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक, मतलब साइकिक चीज़ों की हमारे सोमैटिक मतलब बॉडी के ऊपर, फिजिकल बॉडी के बॉडी पे कैसे असर होता है। तो जब मुंह में अल्सर्स आते हैं, या जलन होती है, या ऐसे सिस्ट आते हैं, तो उसका लेना देना होता है आपके एक्सप्रेशन के साथ। आप क्या बोल पाते हो, बोल नहीं पाते हो, उसकी वजह से गुस्सा आता है ना, इस तरीके से। अभी ये थोड़ी डीप चीज़ है जो हम बाद में उसको हम और वीडियो में हमने बताएंगे कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे बॉडी पे उसका असर आता है। तो ये बच्चा है जो 9th 10th पास होके जस्ट उस वक्त कॉलेज जाना चालू कर दिया था। तो उसको पूछा गया कि ना क्या हुआ वो 2-3 साल में, मतलब क्या हो गया। तो उसने ये बताया कि ना महाराष्ट्र में एक, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत ही बड़े रिटायर्ड प्रोफेसर साहब है जो कि एक समाज सुधारक है, ठीक है, सोशल सर्विस में उनका बहुत, हाँ बहुत नाम है उनका, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये जो प्रोफेसर साहब है उनका बहुत बड़ा ग्रुप फॉर्म हो चुका है, ठीक है, और वो क्या है ना कि वो बहुत बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉलोअर हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज की सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब उनकी जर्नी, उनके प्रिंसिपल्स, उनके रूल्स, उनके संस्कार, उनका काम करने का तरीका, उन्होंने स्वराज्य कैसे स्थापन किया, ये चीज़ें उनके ना ऐसे रटी हुई है। तो वो अपने भाषण में ना ऐसी चीज़ें बता के लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो उनका बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, और वो बताते कि आज का समाज जो है ना वो कैसे भटक रहा है। समझ में आ रहा है आज का समाज कैसे, मतलब ये बोलते ना पिज्जा बर्गर वाला समाज, मूवी देखने वाला, बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने वाला, सामाजिक वैल्यूज बिल्कुल खत्म, वेस्टर्नाइज होने वाला है। तो जो अपनी इंडियन जो कल्चर है उसकी जो वैल्यूज है ना, वो ये प्रोफेसर साहब सबको मोटिवेट करते हैं, और बहुत ही बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत ही बढ़िया स्पीचेस होती हैं उनकी सुनने लायक। तो ये बच्चा ऐसी चीज़ों से इंस्पायर होता है, जो कौष्टिकम होता है ना, ऐसी चीज़ों से इंस्पायर होता है, और उसको सच में लगता है कि ये जो आजकल जो चल रहा है ना, ये जाति हो रही है। मतलब समझो कोई लड़का है जो किस बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर करके उनके साथ जाति कर रहा है, कोई पेरेंट्स है जो पैसों के पीछे लग के गलत कामों में, मतलब कोई एडल्ट है गलत कामों में। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि यंगस्टर्स आजकल मंदिर जाना भूल चुके हैं। एग्जैक्टली, जो भारतीय संस्कृति है वो उन्होंने बिल्कुल त्याग दी है, ये कॉस्टिकम को बर्दाश्त नहीं होता। और ये आपने पिछली वाली रेमेडी में भी देखा है कि काली काब को भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन नोटिस व्हाट कृष्णा सेड, जो समाज से रिलेटेड चीजें होती हैं
उसमें कॉस्टिकम का योगदान होता है, उससे कॉस्टिकम परेशान होता है समाज, घर में तो होता ही है, ठीक है, उसकी अगर बेटी हुई, लेकिन काली कार्ब अपने घर में करता है, अपने घर में इम्पोज करेगा, लेकिन कॉस्टिकम रिवोल्यूशनिस्ट में है, बिल्कुल, तो जो क्रांति होती है वो घर पे ही नहीं होती है, क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी होते हैं पूरे समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो फिर इस ये जो बच्चा है जो अभी अभी कॉलेज जाना चालू किया उसने, तो वो 2-3 सालों से इन चीजों में आ गया था, और फिर क्या होता है ना, इनके रगों रगों में ये खून दौड़ता है, क्योंकि ये जो प्रोफेसर साहब है ना वो ऐसे है कि वो इतने एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, और इतने बड़े वक्ता है वो, इतने बड़े मोटिवेटिंग स्पीकर है वो, इतना होके भी वो बिना चप्पल के चलते हैं, धोती कुर्ता पहन के चलते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, तो ये चीजों को लेके ये बच्चा इतना इंस्पायर होता है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है इसमें, लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज है अति सर्वत्र वर्जयत, कोई भी चीज एक्सेस नहीं होनी चाहिए ना, तो ये क्या हो गया कि ये दिन रात वही सोच रहा है, और जैसे कि उनके जो आंदोलन है उसमें शामिल हो गया, और जो इसका लोकल यूनिट है उसके गांव का उसको लीड करने लगा, फिर जहां जहां उनके मोर्चे हो रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, ये जा रहा है, सब जगह जा रहा है, घूम रहा है, तो अपने कॉलेज पे ध्यान नहीं है, फैमिली पे ध्यान नहीं है, तो ये खास खास करके कॉस्टिकम में ये होता है कि शायद इम्प्रोविडेंट रूब्रिक है, इम्प्रोविडेंट करके रूब्रिक है, क्योंकि ये ना अपने फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है, फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है, यहीं पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाती है काली कार्ब की। काली कार्ब इंपेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में है, वो अपनी फैमिली के लिए सारी चीजें करता है फैनेटिक वे में, और जो ऑब्स्टिनेट वे में ये भी करता है, लेकिन ये समाज के लिए करता है। उसमें उसका घर, उसके बच्चे, उसका करियर ये कहीं बह जाता है, लेकिन उसको पड़ी है समाज सही रास्ते पे आना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करना जरूरी है, और इस चक्कर में वो अपने बच्चों का भी, वाइफ का भी त्याग कर सकता है, क्योंकि उसके लिए क्रांति लाना प्राथमिकता है। तो ये बंदे ऐसे होते हैं ना कि ये फिर डिफाइंट हो जाते हैं, मतलब अथॉरिटी के अगेंस्ट, मतलब इस चीज को, इस प्रिंसिपल को अगर कोई, इस वैल्यूज को कोई फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होता है ना, फिर जो एग्जिस्टिंग नॉर्म है, जो लॉज ऑफ लैंड है वहां का, उसको फिर वो फॉलो नहीं करते उसके अगेंस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल क्या है ना कि फिर उनको लगता है कि ये जो बाकी की जो सिस्टम है, मतलब अपनी महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, या कोई भी स्टेट हो, उसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके वजह से उसको लगता है कि ये सिस्टम ही खराब है साला, ये सिस्टम ही अच्छा नहीं है, तो ये सिस्टम को तोड़ दो, फिर उसके अगेंस्ट जाओ, इसका विरोध करो, इसके खिलाफ आंदोलन करो। अभी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उसका विरोध वो कैसे करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि उसको मार्क्सॉल से डिफरेंशिएट करता है, मार्क्सॉल आगे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मार्क्सॉल तोड़ू फोड़ू है, एनार्की वाला ऐसा बंदा है कि सिस्टम को तोड़ देगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पुलिस वाले को मारेगा, हो सकता है कि जाके किसी आईएएस ऑफिसर के भी झापड़ मार दे, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर, लेकिन कॉस्टिकम जो जब आप क्रांति लाते हैं, जो होता है ना भाषण चल रहा है और जूता आता है कहीं से, हाँ, या इंक आती कहीं से जैसे एक दिल्ली के जो मिनिस्टर थे, हाँ। ऐसे जा रहे थे, आया कोई पाट से एक झापड़ मारा उनके, और उनको लगा अरे ये क्या हो गया तो ये मार्क्सॉल वाला टेंडेंसी, लेकिन कॉस्टिकम सिस्टम को बदलने की कोशिश सिस्टमाइज तरीके से करता है, सिस्टमाइज, जैसे अगर समाज में, उसकी सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया किसी गरीब को, या किसी जो पुअर क्लास है, या जो इतने शक्तिशाली नहीं है, उनको लेकर के किसी ने कुछ गड़बड़ किया, तो वो जाकर के पहले तो विरोध करेगा, विरोध मतलब मारामारी नहीं, लेकिन इस चीज का विरोध वो सामने कर देगा, वो किसी से डरता नहीं है, फिर उसके बाद में उसको ले जाकर के पुलिस स्टेशन लेकर के जाएगा, वहां पर जाकर के FIR करवाएगा, फिर उसके बाद अगर वो भी काम नहीं बना तो भाई कोर्ट भी जाएगा कि उसके खिलाफ, तो सिस्टम में रह करके वो चीजों को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। ये वर्ड देखो, परिवर्तित करने की, यस, परिवर्तित, इसलिए इसमें रूब्रिक्स है रिवॉल्यूशनिस्ट, ठीक है ना, डिफाइंड, और आगे चल के अगर ये चीजें करके भी अगर उसकी बात नहीं होती और उसको लगता है कि नहीं समाज में इनजस्टिस और भी बढ़ रहा है, अत्याचार और हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, और ये सही अत्याचार किसके ऊपर, इसको लगता है कि जो कमजोर कड़ी है समाज की, कमजोर जो घटक है
कमजोर जो क्लास है, तो कमजोर कौन होता है? बच्चे होते हैं कमजोर, जो गरीब होते हैं और जो ग्रो कर रहे हैं आगे जाके, उनको लीड करना है ना, बच्चे आगे जाके आगे आएंगे और फिर अपने हाथों में जो प्रोग्रेस है, भविष्य उनके हाथ में होगा। तो इसको लगता है कि ये बच्चों के हाथ में सब कुछ है और ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये बच्चों के साथ सही नहीं हो रहा है। तो वो हो सकता है स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, या समाज में जो हो रहा है। तो इसको लेके क्या होता है ना, इसको फिर ये जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है, मतलब इसमें अनार्किज्म ना, अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मतलब क्या है, जो है उसके अगेंस्ट कुछ करो और उसको उखाड़ के फेंक दो और करो, उसको बंद करना बोलते हैं ना हम लोग, उसके अगेंस्ट डिफाइंड होके खड़े होना और अच्छी सिस्टम लाने की कोशिश करना, ये जो होता है ना, ये होता है। और इसमें ये डटा रहता है, छोड़ता नहीं इस चीज। ऐसे रूब्रिक्स हैं, एनार्किस्ट, रिवॉल्यूशनिस्ट, डिफाइंट, फैनेटिसिज्म, आर्डेंट, डॉग्मेटिक, तो ये सारी चीजें, डिक्टेटोरियल, पॉजिटिवनेस, ये सारे जो रूब्रिक्स हैं इसको काली कार्ब के पास में लाते हैं। लेकिन काली कार्ब के काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, घर से रिलेटेड है, ट्रेडिशंस को लेकर के रिलेटेड है। इसका एरिया ऑफ वर्किंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, समाज को परिवर्तित करना है। ये जो बच्चा है ना, इसका जो शिश था उसने ऑपरेट किया था, उसको स्टिचेस लगे हुए थे और स्टिचेस लगने के बाद वो फिर से दोनों तरफ से फैल गया था, फिर से आ गया था। क्योंकि जो अंदर की जो क्रांति थी ना, वो तो कहीं ना कहीं से निकलनी थी, क्रांति तो शांत नहीं हुई थी ना, वो तो रिवॉल्यूशन करेगी, काट लो। क्योंकि रियलिटी ये चीज है ना कि ये बच्चा क्या हो रहा है कि देखो, वो प्रोफेसर जो सर है उन्होंने तो पूरी जिंदगी बिताई है ना इसमें, इतना नॉलेज वहाँ उनको कहाँ से आया, क्योंकि पूरी जिंदगी उसमें बिताई है। तो वो वहाँ पे उस ऊंचाई पे स्टैंड करते हैं कि वो इतने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और वो सिस्टम के अगेंस्ट जाके स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कॉस्टिकम पेशेंट को, ये बच्चे को जो 10th 11th में है, इसको लगने लगता है कि ना मैं कर सकता हूँ और ये करने की कोशिश करता है। और ये जद्दोजहद में, इस डिफाइंस नेचर में क्या होता है कि रियलिटी है कि उसकी बातें कोई ज्यादा सुनता नहीं है। ये कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि इसका नॉलेज तो उतना है नहीं, तो ये नॉलेज गैदर भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये जो 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 जहां से इन्फ्लुएंस होता है ना, वो चीजें ये फॉलो करता है। तो ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा बच्चा था जिसको भी XYZ जो भी तकलीफ थी, लेकिन उसको पूछा जब गया कि तू क्या कर रहा, तो उनके भी एक कोई गुरु थे, फॉलो करना चालू कर दिया उन्होंने, और सेम ऐसी स्टोरी थी। तो जब उसको कॉस्टिकम दिया गया, एक आसानी से वो सिस्ट चला गया, वो स्टिच का जो दाग था ना वो भी नहीं रहा उसका, इतने ब्यूटीफुली वो चला गया। तो ये इस तरीके से हमें ना देखना है कि कौन से केस में कौन सी चीज एक्सेस जा रही है। अभी देखो, इन्होंने बताया समाज, करेक्ट। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ समाज का, देखो कैसे कनेक्शन आता है। देखो, वो एक लड़की है, यंग लड़की है, 24-25 की, जॉब करती है, अस्थमा, वो है उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा वहाँ के हैं। और उस दिन आई तो 25 की लड़की पूरा टकलू कर दिए। कैसे? मैं बोला क्या? तो बोले फिर क्या हो गया, हम नहीं कर सकते, मर्द लोग कर सकते हैं। मैं बोला बढ़िया। तो फिर मैं उसकी केस लेने लगे, उसको दम लग रहा था, अस्थमा हो रहा था, काफ़ी कफ और दम था। तो बोले सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोले ठीक है। तो फिर मैं उसका थोड़ा सा पूछने लग गया, क्या पसंद है क्या नहीं। तो बोले मुझे जानवर बहुत पसंद है। ओ, बोले जानवर पसंद है? बोला कौन से जानवर पसंद है? बोले सांप। बोला कल सांप
सांप क्यों? सांप बोले स्वर में अभी गई थी, क्या बोलते हैं उसको, अजगर। अजगर जो इतना क्यूट सा अजगर जो स्वालो कर लेता है। क्यूट। इतना क्यूट सा अजगर, मैं बोला होए रो बोले इसका क्या करूं बोले सर अजगर, मैं बोला अजगर मुझे अजगर बहुत पसंद है, बोले भाई क्यों, बोले सर आदमियों से अच्छे होते प्राणी। बोला है, बोले क्यों, बोले सर वफादार होते हैं, उनको आप खिलाओ तो वो याद रखते हैं, आदमी लोग कुछ काम के नहीं, सब साले ये दुष्ट है, सब पैसे के लिए करप्ट है ऐसा। मैं बोला अरे बाप रे, मैं बोला भाई तुम जॉब क्या करती हो, तो वो जॉब कर रही थी, तो बोले सर जब से जॉब में लगी हो तब से हो रहा है। मतलब क्या जॉब करते हो क्या, तो बोले ये है ना पैथोलॉजी लैब का चेन होता है ना, उस चेन में मैं काम करती हूँ। बोला अच्छा, बोले क्या अच्छा सर, बोले कि बोला हमारा बॉस लोग खून चूस चूस के पैसा कमा रहा है। खा लो बात देखो थिंकिंग क्या है ना, बोले खून चूस चूस के, बोले अरे सर किसी भी कंपनी में जाता है जहाँ लोगों को जरूरत नहीं है, कोई बीमार नहीं है, निकालो सबके खून, सबका टेस्ट करो, सबका टेस्ट करके सबका रिपोर्ट भेजो। अरे क्या चल रहा है, क्या जरूरत है, क्यों एवी गलत है सर। अरे तू वहां पर काम करती है, पगार देता हो तेरे को अरे ऐसे उसको डर नहीं है उस, मैं बोला अबे निकाल देगा तेरे को, बोला सर निकाल देगा तो निकाल देगा, ये गलत काम है, समझ रहे हो ना भैया, बड़ा समाज का क्रांति करनी है। अभी आप ये देखो कि किस तरीके से बात कर रहा है, मतलब पेशेंट की एनर्जी लाने इनैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देयर आर टू रूब्रिक्स, एक्सेंट्रिसिटी पॉलिटिकल, एक्सिलरेशन अबाउट पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप पॉलिटिक्स में जा करके, क्योंकि इच्छा तो है आपकी कि मैं समाज में परिवर्तन लाऊं, तो सिस्टम के को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कॉस्टिकम है, तो आप पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करोगे, जरूरी नहीं कि आप नेता बन जाओ। तो कई बार ये जो वो होते हैं ना लेबर्स की जो यूनियन होती है, लेबर्स की यूनियन के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे लोग कॉस्टिकम हो सकते हैं। तो ये दिस डजंट सीम लाइक पॉलिटिक्स, लेकिन एक अन्याय वाली चीज है ना। तो पॉलिटिक्स में आप जब लीडर्स को सुनते हैं तो हमेशा अन्याय की बात करते हैं, है ना, अन्याय इनके साथ में हो रहा, उनके साथ नहीं में हो रहा। क्या ना लोग, उनका इंक्लिनेशन ही होता है ना, इसलिए उस डोमेन में वो चले जाते हैं। शुरू से उनका इंक्लिनेशन होता है, जैसे ये दो बच्चे है, वो दोनों बच्चे जैसे जैसे यंग एडल्टहुड में आ रहे है ना, तो इनको उस चीजों में रुचि आ रही है ना, इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि ये आगे चल के ये बच्चा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, क्या पता, इतने यंग एज में इतने एफर्ट ले रहा है, क्योंकि देखो ये, लेकिन पेशेंट बच्चा को प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हो सकता है। तो ये क्या है ना, तो जैसे आलोक ने बताया कि उस तरीके के लोग आपको ज्यादातर कॉस्टिकम मिल सकते हैं। कॉस्टिकम में कैसा है ना, एक रूबरी का लिटीजियस करके, मतलब ये ना बहुत कोशिश करता है लीगल तरीके से सिस्टम को फॉलो करके पहले ठीक करने की, जब नहीं होता है तो फिर ये एनार्की में, रिवॉल्यूशन। आपने सुना होगा कई 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 लोग जो आरटीआई डालने में उस्ताद होते हैं, उनका एक काम है हफ्ते में एक आरटीआई डालो, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसका आप उल्लेख करिए, इसका आप कैलकुलेशन दीजिए, कितना खर्चा हो रहा है हमको बताइए। तो जो लिटीजीएस है उसके पीछे कहानी है पूरी। तो किसी भी रूब्रिक को हम सिर्फ एक रूब्रिक से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, पूरी माला जुड़नी चाहिए, उसके पीछे पूरा तत्व ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए ना कि सारे रूब्रिक आप देखेंगे जो हम स्क्रीन पे डालेंगे, आप देखो कितने ब्यूटीफुली इसका डिपिक्ट करता है, पिक्चर कैसा है। और खास बात यह है ना कि इस रेमेडी में फैमिली को लेके एक भी रूब्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फैमिली का इनफैक्ट इनप्रोविडेंस है, इनप्रोविडेंट एंग्जाइटी। थोड़ा सा इम्प्रोविडेंट समझाते हैं, इम्प्रोविडेंट, प्रोविडेंट आप कहाँ से सुनते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड मतलब आगे चल के आप पेंशन के टाइम, हाँ, रिटायर होने के बाद जो आपको प्रोवाइड करेगा वो प्रोविडेंट फंड होता है। तो आप प्लान करते हैं, अगर आप प्रोविडेंट हो तो आप आगे की सोचते हो, आगे की प्लान करते हैं ना, सारी चीजें कि आगे आपका भविष्य में बच्चे, वाइफ, आगे चल के बच्चे बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा होगा, शादी के लिए खर्चा होगा, तो उस सब का इंतजाम करके रखते हैं ना। तो ये बंदा इंतजाम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये बंदा ऐसे होता है ना कि ये अपनी चीजें खर्च कर लेता है। तो
इम्प्रोविडेंट मतलब जिस आगे की चीजें ना इंतजाम नहीं करता है और इसके वजह से ना कौष्टिकम की फैमिली उसके ऊपर बहुत खफा रहती है, बहुत परेशान रहती है और फिर उन लोगों में रिफ्ट बन जाती है, दिक्कतें आती है। भगत सिंह याद आया आपको? भगत सिंह की फैमिली को कितना तकलीफ हुई थी, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अभी क्या हो गया ना, फैमिली में ज्यादा देखो एक रूबरिक है एंग्जाइटी फॉर अदर्स, एंग्जाइटी फॉर फैमिली नहीं है लेकिन फैमिली में रूबरिक मतलब फैमिली का एक भी रूबरिक इसमें नहीं था, अभी रिसेंटली किसी ने ऐड कर दिए है कुछ कुछ लेकिन वैसा उसकी कौष्टिकम की फितरत वो नहीं होती कि उसको फैमिली इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली से ज्यादा इनजस्टिस अभी रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन के पीछे शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल क्वेश्चन तो है, कोई ना कोई सेंसिटिव पॉइंट है ना। वेरी ब्यूटीफुली रूब्रिक्स आर डिस्क्राइब सेंसिटिव टू द क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, हु आर चिल्ड्रन हु आर डिपेंडेंट हु आर हेल्पलेस जिनके साथ में इनजस्टिस होता है, सेंसिटिव व्हेन हियरिंग ऑफ क्रुएलिटीज। बताओ डॉक्टर साहब, वो जो बेचारा बेगर था उसको ये लोग लाठी से मार रहे थे क्योंकि वो ट्रैफिक के बीच में आ गया था, ये क्या बात हुई? अरे नेता आ रहा है इसलिए आप भिखारी को मारोगे? हाँ। वो भी इंसान है, इनको सहन नहीं होती ये चीज, मतलब कोई पॉलिटिशियन जा रहा है और गाड़ी एम्बुलेंस को रोका जा रहा है और पॉलिटिशियन की गाड़ी को छोड़ा जा रहा है तो ये लोग है ना झिलमिला उठते हैं, मतलब गुस्से में आ जाते हैं और आगे आके डिफाइंड बन जाए उस चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये इस तरीके से कौष्टिकम जो है ना इसकी ये फितरत होती है। फैमिली में क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एंग्जाइटी फॉर अदर्स है फैमिली में ना, इस तरीके से हो सकता है कि समझो फैमिली ज्वाइंट फैमिली है और किसी पे ज्यादती हो रही है और वहां पे भी इनजस्टिस हो रहा है, लड़कियों पे अत्याचार, इनजस्टिस इज द मेन थिंग। ये इस तरीके से वो फैमिली में अगर कोई इशू आता है, हो सकता है कौष्टिकम कोई ऐसा हो कि जो बाहर के डोमेन में नहीं गया हो लेकिन फैमिली में भी इसी तरीके से उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना वो इस तरीके की ही होते हैं। तो इस चीज को आपको समझ में, मतलब ये अगर आपके केस में आप निकाल पाते हो तो आपको कौष्टिकम पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। एक आलोक सर की केस, आलोक सर केस बताइए। हाँ कंटिन्यू। नहीं एक जैसे आलोक ने बताया ना कि बच्चों का क्या रूब्रिक बताया, फियर दैट क्लाइंबिंग बॉयज शुड बी हार्म। ये हमें मोहंती सर ने सिखाया था सेमिनार में, क्या खूबसूरत रूब्रिक है, देखो फिर से पढ़ो एक बार। फियर दैट क्लाइंबिंग बॉयज शुड बी हार्म्ड। क्लाइंबिंग बॉयज बच्चे, बॉयज है, मेन नहीं है, बॉयज है और क्लाइंबिंग है, ये तो अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये तो अभी जीना चालू कर रहे हैं, ये तो इनकी करियर अभी शुरू हो रही है, इनका करियर बर्बाद हो जाएगा, मतलब ये लोग भटक जाएंगे। अरे ये कैसी पढ़ाई वाली व्यवस्था है जिसमें वेदों का ज्ञान ही नहीं है, पुराणों का ज्ञान ही नहीं है, आप इंडियन कल्चर के बारे में नहीं जानोगे तो भारतीय समाज का क्या होगा। तो इसीलिए ना ये जो जहां से ना रामायण महाभारत में जो शिक्षा है या फिर शिवाजी महाराज के जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो प्रिंसिपल्स है, ऐसी चीजों को लेके ये सोचते कि ना ये सारी जो बोलते हैं ना ज्ञान है और ये सारा संस्कार है, ये अगर यंग बॉयज क्लाइंबिंग बॉयज मतलब जो बड़े हो रहे हैं, हाँ। जो अपने पैर पे खड़े नहीं है, उनको अगर नहीं मिलेगी तो उनके साथ जाती होगी, वो क्या करेंगे फिर आगे चल के इस तरीके से। अभी एक आगे का एक केस सुनते हैं। अभी अभी देखिए हर एक, अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग सोचेंगे सल्फर, सल्फर भी तो बच्चों के लिए चिंता करता है लेकिन सल्फर रिवॉल्यूशनिस्ट नहीं है, क्रांति नहीं लाता है। सल्फर के ऊपर जो बच्चे डिपेंडेंट हैं, सिर्फ उसकी जो सोच है या उसके जो एफर्ट्स हैं, उसकी जो केयर है वहीं तक सीमित होती है। एक्चुअली ये सल्फर फैमिली पर्सन है, फैमिली पर्सन पूरी तरह से फैमिली पर्सन होता है, कौष्टिकम सामाजिक पर्सन, और कौष्टिकम में फैमिली का रूबरिक ही नहीं है। करेक्ट। सोचो तो कितना जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। अभी कौष्टिकम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मुझे केस याद आता है 15 साल पहले का है, हम लोग की उसमें आया था ओपीडी में। ये बंदा पैरालाइज था राइट साइड से, अभी सुनिए, राइट साइड है, राइट साइड मतलब समाज, क्रांति, राइट साइडेड एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी, दूसरों के ऊपर चीजें थोपने की। तो वो किसी यूनियन का लीडर था, वो राइट साइड से पैरालाइज। देखो ये जो आलोक जैसे बता रहा है, मैंने लिप्स का बताया आपको, हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक एरिया है जो ये कंट्रोल करता है, मतलब आपका राइट साइड है जो, वो आपका लेफ्ट साइड में जो ब्रेन में कुछ एरियाज है वो एलोकेटेड है। जैसे आपका स्पीच है उसके लिए एक जगह पे लोकेटेड है एरिया जो उसको गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर इमोशनल किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है,
लव्ड वन के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो एरिया है ना ब्रेन में, वो राइट साइड में एरिया है जो उसको गवर्न करता है, और इसके वजह से लेफ्ट साइड अफेक्ट होती है क्योंकि बीच में क्रॉस ओवर होता है। हाँ, yes. और जैसे आलोक अभी बोल रहा है कि उनको राइट साइडेड पैरालिसिस है, तो आप देखो ऑब्जर्व करो कि आपके पास अगर राइट साइडेड पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं या फिर लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, तो ठीक से हिस्ट्री ले लो। आपको लेफ्ट साइड में ऑलवेज वो बंदा, वो पेशेंट फैमिली ओरिएंटेड, इमोशनल ऐसे ही मिलेगा, और जो राइट साइड वाला होगा वो बिजनेस रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट, बाहर की चीजों घर से बाहर, लव्ड वन का स्पीयर जो है ना उसको छोड़ के, तो राइट साइड अभी इसमें तो उसको कॉस्टिकम दिया गया एंड देयर वाज अ वंडरफुल रिकवरी। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे सर रिपर्टरी में तो कॉस्टिकम लेफ्ट में भी दिया हुआ है, लेकिन हमको जो प्राइमरी चीजें होती है ना उनको टारगेट करना होता है शुरुआत में, जब आप मटेरियल मेडिका सीखते हैं तो कॉस्टिकम आप रिपर्टरी में देखेंगे तो कॉस्टिकम को सिर्फ एक मार्क्स दिया है लेफ्ट में, लेकिन रेड में दिया है राइट साइड का। सो इट इज प्राइमरली राइट साइडेड रेमेडी, क्यों है ये चीज जानना जरूरी है। तो भी पूरी कहानी जो त्रिनाइसमैन ने बताई है प्लीज उसको जोड़िए, फिर उसके बाद में उसको राइट साइड से जोड़ करके देखेंगे, तब आपको मटेरियल का और समझ में आएगी। अभी हर एक दवा के कुछ नेगेटिव शेड्स भी होते हैं, बिल्कुल। तो दो पॉजिटिव शेड्स इन्होंने बताया, मैं थोड़ा सा नेगेटिव शेड बताता हूँ आपको। तो एक केस था अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस का था, एलर्जिक राइनाइटिस थी और दो तीन चीज़ें और थी। तो उसकी वाइफ ने मुझे कॉल किया कि सर इनको ये दिक्कत हो रही है और बड़े दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट मेडिसिन दैट आई गेव हिम वाज अ फेल्योर। सेकंड टाइम मैंने उसकी वाइफ को अच्छे से पूछा कि आप मुझे और फिर से बताओ क्या गड़बड़ चल रहा है, और ऐसी चीज़ बताओ जो आपने मुझसे छुपाई है। कई बार पेशेंट छुपाते हैं, सही, सीधे आप उनको पूछो कि क्या छुपा रही हो आप मुझसे। तो वो झिझकी थोड़ा, तो फिर उसने फिर पोल पट्टी थोड़ा खोलना चालू किया। ये बंदा क्या था, एक फार्मेसिस्ट है, ही हेड्स अ फार्मेसी इन अ हॉस्पिटल। तो देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल जो कि एक डॉक्टर थी और इसका बंदे का कुछ गड़बड़ चल रहा था आपस में, समझ गया ना गड़बड़, आप गड़बड़ चल रहा था। तो वाइफ ने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे लगता है कि, लगता ही नहीं है, विमेन को शक हो जाता है, उनका शक हमेशा लगभग सही होता है, ये कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच में क्योंकि ये फोन छुपाते हैं बार बार। मैंने कहा अच्छा, तो दिमाग में फिर ऐसी रेमेडीज आने लगी, आई गॉट प्रेजुडिस्ड कि ये गड़बड़ होगा। तो मैंने कहा घर पे कैसे रहते हैं, सर घर पे इनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। मैंने कहा मतलब, अगर सर जब मैं दिन भर का काम करती हूँ और अगर मैं थक गई, बच्चे को नहलाना हुआ, बच्चे को खिलाना हुआ, मेरा सर दबाना हुआ, सब कुछ करते हैं। अरे देन आई गॉट कन्फ्यूज, मैंने कहा इनके काम के बारे में बताओ जरा। मैंने कहा ये कितनी बार करते हैं ऐसा, बोले सर बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा काम के बारे में बताओ, सर काम के बारे में, काम के बारे में भी इनकी बहुत बड़ाई होती। मैंने कहा काय की बड़ाई होती, तो उनके उनकी फार्मेसी में दो तीन जो लड़के उनके लिए काम करते हैं उन्हीं के गुणगान गाते हैं। मैंने पूछा क्यों गुणगान गाते हैं, क्योंकि सर वो दो तीन लड़कों की चिक चिक वहाँ की मैडम से हो गई थी, ओनर से, और इन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया। मैंने कहा क्यों प्रोटेक्ट किया, तो बोलते हैं नहीं सर वो तो बच्चे हैं ना, अपने अपने लिए काम करते हैं ना, उनके साथ में मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता। और इसके लिए वो मैडम से भी भिड़ गया था, मैडम के जो हस्बैंड थे जिन्होंने इन तीनों को, तीनों के खिलाफ कुछ गड़बड़ किया था, उनको निकालना चाहते थे वहाँ से, ये भिड़ गया उनसे, उनको सर ना आप नहीं निकाल सकते, वो मेरे अंडर में है और कुछ भी गलत काम उन्होंने नहीं किया है, और आप उनको अभी निकालोगे तो सर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं भी छोड़ करके काम जाऊंगा। हैं, देन आई वाज टेकन बैक। फिर मुझे लगा कि यार ये तो पॉजिटिव शेड कॉस्टिकम का लग रहा है, लेकिन ये नेगेटिव शेड कहाँ फिट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, और फिर उसमें रूब्रिक मुझे मिला एडल्टरस। तो ये जो थोड़ी सी एडल्ट्री है ना कॉस्टिकम में, दैट टुक मी टू कॉस्टिकम। लेकिन मैं किस में घुसा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इनजस्टिस थिंग brought me to costicum. फिर उसके बाद में negative shades जुड़ते चले गए, फिर costicum दिया and he got very good response. तो costicum क्या होता है ना कि एक किसी principle वाले system के साथ जुड़ जाता है, impress होता है, follow करने लगता है, फिर उसको मन में ये बैठ जाता है, वो convinced होता है क्योंकि वो समझता है कि ये चीज़ें सही है और ये चीज़ें गलत, सही गलत का कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी होता है। अभी फिजिकल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जो हम लोग अक्सर खांसी वांसी में देते हैं, रॉनेस, रॉनेस, अफोनिया, अफोनिया। ये अफोनिया क्यों है,
बोल नहीं पाता, बोलते बोलते लोगों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते उठाते उसकी आवाज बैठ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है ना आप ऐसे, ये चीजें ऐसी होती है ना ज्यादातर, ये सारी रिस्की चीजें होती है, ये रिस्क में जाता है, डिफाइंड होता है, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाता है, तो ये बोलने की दिक्कतें आएगी आएगी उसको, क्योंकि हमेशा सामने वाला भी सुन के थोड़ी ना लेगा, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेसिव होता है ना, मतलब कोई आवाज नहीं उठा रहा और ये बंदा आवाज उठा रहा है, तो इसमें क्या होता है ना, ये जो उसकी फितरत है ना कि सिस्टम के खिलाफ जाने की, ये चीजें सेकेंडरी चीजें है, जो मेन उसका जो पर्सनालिटी है कौस्टिकम का, ये आपने समझा किस तरीके का है, जो कि किसी प्रिंसिपल रूल्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, अन्याय के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मर्क्सॉल में कैसा ना, मर्क्सॉल में रूबरिक है मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, मतलब मॉरल्स ही नहीं है, मतलब सोचता ही नहीं है, ये धबा धब मतलब मार देगा किसी को, काट देगा इस तरीके से ना, मतलब उसमें सोचने वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कौस्टिकम थोड़ा संभलता है, सोचता है और फिर धीरे 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 रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है ना, ये सब धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्यूशन एक दिन में नहीं आती है, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे आती है, पूरे सिस्टम के खिलाफ वो संघर्ष करता है, इसीलिए ग्रेजुअल पैरालिसिस में, एक दिन में उसको नहीं होता है, एक दिन में दिख सकता है। तो जितने भी सिम्टम्स कॉस्टिकम में क्रोनिक जो मिलते हैं, तो आपको लगेगा ईयर लॉन्ग हिस्ट्री, वो प्रोग्रेसिव, तो ये माइंड ब्रेन बॉडी को का जो एक्सिस है, मटेरिया मेडिका के साथ में आप प्लीज़ जरूर जोड़ करके समझने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर वो फ्रैगमेंट्री अंडरस्टैंडिंग होगा और वो उतना ज़्यादा आपको पुख्ता अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा। स्टूडेंट्स जो है, जो मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, पैरालिसिस के लिए ये बहुत फंटास्टिक रेमेडी है, अफोनिया, पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स, क्योंकि कैसा है ना, मसल्स को करना है लेकिन साथ नहीं मिलता, सब लोग जो वो करना चाहता है सब लोग उसको करने नहीं देते, यही तो पैरालिसिस है, वो चाहता है कि आँख की पपड़ी उठाए लेकिन वो गिर जाए, उसको हमेशा लगता है कि सिस्टम पैरालाइज्ड है, हमेशा लगता है कि ये सिस्टम पैरालिसिस में है, जिसको वो रिवाइव करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें उसको दिक्कतें आती है और फिर खुद हेल्पलेस पैरालाइज्ड फील करता है, तब उसको खुद को पैरालिसिस। और कॉस्टिकम के जो वुंड्स होते हैं साइकेट्रिसिस, ओल्ड साइकेट्रिसिस, हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक हार्ड पर्सनालिटी है, कॉस्टिकम इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, लाइक काली कार, लाइक सल्फर, इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, समाज के खिलाफ कोई अगर क्रांति लाना चाहता तो सोचो कैसा होगा, तो फिर उसी तरीके की पैथोलॉजी भी होगी, तो जो वुंड्स बनेंगे उसमें फिर फाइब्रस टिश्यूज होंगे, क्योंकि वो हार्ड है अंदर से, चीजों को हार्ड करने की कोशिश करता है, तो वही बॉडी में भी वही मैनिफेस्ट होता है। तो इसलिए आपको ये चीजें बहुत डिटेल में स्टडी करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, सोते हुए नहीं रहना है, क्या कर रहे हैं आज के ये बच्चे लोग, नहीं करना, उठो आगे बढ़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, होम्योपैथी की जय, और होम्योपैथी की जय, जैसे हनुमान की जय, भारत हमारा हर चीज में आगे बढ़ रहा है ना, तो हमें होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथी को लेके और इस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है, आंदोलन लाना है, आगे बढ़ो। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, पूरा विश्व इंडियन होम्योपैथ्स की तरफ देख रहा है, क्योंकि बाहर होम्योपैथी को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, इंडिया में नहीं है। आप जो क्लिनिक में रिजल्ट्स दे रहे हैं वो डिसाइड करेगा होम्योपैथी का भविष्य। चर में इंडियन जो एंशिएंट नॉलेज है ना, उसमें फंडामेंटल्स इतने क्लियर है कि क्यों योगा हमें हेल्प करता है, क्यों मेडिटेशन हमें हेल्प करता है, योगा और सारी चीजों की शुरुआत यहाँ से हुई ना, बिल्कुल, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल, यार ये स्पिरिचुअल साइंस, वसुधैव कुटुंबकम के पीछे क्या चीज है, होलिस्टिक, पूरा विश्व हमारा समाज है, बिल्कुल, और ये पूरी बॉडी, माइंड ब्रेन बॉडी साथ में काम करते हैं, समझ गया अपना, तो इसलिए होम्योपैथी इज अ होलिस्टिक हीलिंग, कितना सटल मैसेज है, वसुधैव कुटुंबकम योगा में बताया जाता है, होम्योपैथी में बताया जाता है, इट्स ऑल होलिस्टिक, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। तो फिर दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट क्यों नहीं करते यार, कमेंट करो, थ्री नाइस मैन को बताओ कैसा लगा, कमेंट करो, ये इंजस्टिस हमें नहीं चलेगा, ये इंजस्टिस नहीं चलेगा, और आपके जो सक्सेसफुल केसेस होते हैं मेंशन करो, दैट विल इनकरेज अस, हमें अच्छा लगा, ओके, वंदे मातरम।